दोस्तों, बहुत दिनों से जिसका बेसब्री से इंतज़ार था, भुवन बाम की ढिंढोरा सीरीज़ का ट्रेलर आ चुका है, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ और ये रिव्यू सबसे छोटी होने वाली है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। भुवन बाम की माँ का रोल प्ले करने वाली किरदार की बात करें तो वो अपने बेटे के लिए हमेशा पोहा बनाती है, पर उनके बेटे को अंडा चाहिए होता है। और ये बात वो बोलते हैं कि एक दिन मैं इतना बड़ा सिंगर बनूंगा कि सिर्फ आमलेट ही खाऊंगा। और इस सीरीज़ में भी फुल गाली गलौज है और कॉमेडी है, फैमिली ड्रामा भी है, तो आपको ये सीरीज़ बहुत ही अच्छी लगने वाली है। दोस्तों, इस सीरीज़ में ये खास बात है कि भुवन बाम की माँ जानकी और उनके पापा बबलू की एक लॉटरी लग जाती है, जिस वजह से वो लोग बहुत ही खुश होते हैं। और जानकी जी, जो कि भुवन की माँ रहती हैं, वो खुशी की मारे पूरे मोहल्ले में ढिंडोरा पीटने लगती हैं, क्योंकि वो बहुत ही खुश रहती हैं लॉटरी लगने से और पूरे मोहल्ले वाले की ज़रूरतें पूरी करने लगती हैं। उनके आस पड़ोस के लोग उनसे अपनी ज़रूरतें के बारे में बताते हैं और वो सभी को पूरा करने के लिए बोलती हैं। और भुवन अपनी माँ को बोलते हैं कि मम्मी, सब जगह ढिंडोरा क्यों पीट रही हो? अब दोस्तों, इस सीरीज़ में यही मज़ा है कि इसमें मेन चीज़ यही है कि लॉटरी लगी हुई है, बस इसीलिए ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा फेमस होने वाली है और सारा खेल लॉटरी का है। तो फ्रेंड्स, बाकी की बातें तो इस सीरीज़ को देखने के बाद ही पता चलेगी। तो हो सकेगा तो मैं पूरी सीरीज़ की एक एक करके बनाते रहूँगी, वरना बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद देख लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।